हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट ज्वाइन, तो ये कैसे यूज करेंगे आज इसी की बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और इसमें होता क्या है, टेक्स्ट ज्वाइन का मतलब होता है टेक्स्ट को ज्वाइन करना। अब ये काम कैसे करेगा, अब एक फॉर्मूला मैंने बताया कॉनकैट का, एक कॉनकैटिनेट का, एक एम परसेंट से भी हम जोड़ लेते हैं वो भी। तो अभी ये जो टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला है वो कैसे काम करेगा, तो यहां लिखता हूं टेक्स्ट ज्वाइन। ये आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में मिलेगा या अर्लियर वर्जन में, उससे ज्यादा ठीक है। अब यहां पर आ गए, इस टेक्स्ट इस फॉर्मूले को हमने लगा लिया। अब देखिए यहां पे कह रहा है डिलिमिटर, देखिए ना यहां नीचे जो है डिलिमिटर दे रहा है, यानी कि इसका जो सिंटैक्स है ये कह रहा है डिलिमिटर। डिलिमिटर में आप क्या देना चाहते हैं, तो यहां पर मान लीजिए डिलिमिटर में हम स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है स्पेस दे दिया और डिलिमिट कर दे। और यहां पर इंक्लूड एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल को भी क्या आप इंक्लूड करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो फॉल्स कर दीजिएगा, अदरवाइज ट्रू कर दीजिएगा। तो मैं चाहता हूं तो मैं फॉल्स कर देता हूं, ठीक है। अब कॉमा देते हैं, अब यहां पर देखिए एम्प्टी सेल है, तो यहां पर इसको इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करके फिर यहां से चलते हुए यहां तक आ गए, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए ये टेक्स्ट जो है आ चुका है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और देखते हैं, समझते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन यही नाम है ना, तो ये टेक्स्ट ज्वाइन पे आ गए हम, यहां पे इसे लगा दिया। अब यहां पे कह रहा है डिलिमिटर, अब डिलिमिटर के तौर पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉमा भी यूज कर सकते हैं, दे दिया कॉमा को डिलिमिटर के तौर पे यूज कर लिया। अब यहां पर फॉल्स के बजाय मैं ट्रू दूंगा, ठीक है। अब ये कह रहा है ना कि एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है, तो हम कहेंगे हाँ करना है, कर दिया, कॉमा देंगे। अब इसको बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो यहां पे देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूला है। और अब इसमें एक और खास बात ये है कि यहां पे इस इक्वल टू का निशान लगाइए, फिर लगा लेते हैं ये फॉर्मूला। तो ये लगा लिया हमने टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। और यहां से उठाया हमने, अब देखिए सिर्फ एक बार डिलिमिटर, डिलिमिटर के तौर पर अब यहां पर इसको ले लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि एम्प्टी सेल को इंक्लूड करें कि ना करें, अगर नहीं करेंगे तो एम्प्टी सेल को नहीं लगाए, ठीक है, फॉल्स कर दिया हमने, कॉमा देंगे। अब यहां से इसको ले लिया, पूरा एक ही बार में ले लेते हैं, जैसे कि हम कॉनकैट फॉर्मूले में लेते थे, तो ये ले लिया पूरा, ठीक है, और इसको बंद किया और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए उसी की तरह ये भी पूरा सारा टेक्स्ट जो है एक ही बार में हमारे साथ आ गया है, देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।